पीछे जो ये स्थान दिखाई दे रहा है, ये है अमावा राम मंदिर का प्रांगण, जो कि मुख्य गेट ये बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे अमावा राम मंदिर का गेट बनाया जा रहा है, जो कि श्रद्धालुओं को प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार होगा ये अमावा राम मंदिर का। तो इसी के बगल में एक गेट था, लेकिन उसको तोड़ करके इसमें रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। ये मुख्य द्वार होगा अमावा राम मंदिर के अंदर की ओर जाने के लिए। दोस्तों, मैं इस मार्ग की बात करूं तो ये मार्ग भक्ति पथ कहलाता है, जो कि हनुमानगढ़ी और राजा दशरथ के महल के से होता हुआ ये आपको ये मार्ग ले जाएगा जन्मभूमि पथ की ओर। और यहाँ पे इसी के जस्ट में बगल में ही अमावा राम मंदिर पड़ेगा, जो कि मुख्य द्वार है अमावा राम मंदिर का। इस तरीके से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे अभी मतलब निर्माण हो रहा है, तो बहुत जोरों शोरों से का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं सारा रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, मुख्य द्वार बनाया गया है। इस तरीके से मेन गेट के ही जस्ट बगल में आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर निर्माण पुनः निर्माण किया जा रहा है। आइए चलते हैं, आपको अंदर का अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वहाँ राम रसोई है, वहाँ पे आपको एक पर्ची कटवाना पड़ेगा। यहाँ का भोजन की टाइमिंग में बात करूँ तो 11 से 3 की टाइमिंग है, जो कि यहाँ पे निःशुल्क भोजन कराया जाता है। वहाँ पे आपको पर्ची लेना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको एंट्री मिलेगी अंदर की ओर भोजन करने के लिए। और मैं बताऊँ, रघुपति लड्डू जो यहाँ से प्रसाद मिलेगा, जो अंदर आपको प्रसाद चढ़ेगा वो यहीं से प्रसाद मिलेगा। और मैं लॉकर की बात करूं तो लॉकर यहां पे नया निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पे एक दुकान भी नई निर्माण की जा रही है, उन्हीं के नाम से, रघुपति के नाम से। और निःशुल्क यहां पे लॉकर भी लगाए गए हैं, आप अभी भी आ रहे हैं तो यहां पे सामान रख सकते हैं। अगर अमावा राम मंदिर के अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं भोजन करने, तो यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। और मैं निर्माण की बात करूँ तो ये मुख्य द्वार होगा, जो कि अमावा राम मंदिर की अंदर की ओर प्रवेश लोगों के द्वारा लोग प्रवेश करेंगे तो ये मुख्य द्वार होगा। दोस्तों यहाँ के निर्माण की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और अमावा राम मंदिर जो है, आप देख सकते हैं जो शिखर है, मुख्य शिखर है, आप देख सकते हैं वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं और वहाँ पे अभी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये रहा, मैंने जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। और इस तरीके से यहाँ पे इसको नए तरीके से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और ये है अमावा राम मंदिर, जो कि धनुष ऊपर बनाई गई है, आप देख सकते हैं। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको अंदर, और अंदर अभी प्रसाद भोजन का, यहाँ भोजन प्रसादी का मतलब टाइमिंग हो गया है, लोग भोजन करके बाहर आ रहे हैं अपना। तो आइए ले चलते हैं आपको अंदर। तो एक बार दो लाइन में और बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये जो क्रेन लगी है, यहीं पे हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला का, आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर, अमावा राम मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे भोजन कराया जा रहा है श्रद्धालुओं को, कितने देख सकते हैं कितना जनसैलाब उमड़ा हुआ है, जो कि भोजन का टाइमिंग 11 से 3 है, मैं एक बार और बता दूं। और शिखर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ अंदर की ओर लगता है अमावा राम मंदिर। दोस्तों, एक बार आप ज़रूर आइए और यहाँ पे प्रसादी को ग्रहण कीजिए, जो कि भोजन के रूप में वितरित किया जाता है आप लोगों को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से अंदर का जो लुक है अमावा राम मंदिर का, वो किस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है, और कितने श्रद्धालु यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, जो कि प्रसाद के रूप में यहाँ पे भोजन करना अनिवार्य है। तो आप भी आइए और भोजन यहाँ पे बिना भोजन ग्रहण किए नहीं जाना है, ऐसा यहाँ का मानना है। तो लोग, आप उससे विनती है हमारी, आप जब भी आ रहे हैं अयोध्या और अमावा राम मंदिर स्थल आ रहे हैं, तो आप भोजन करके जाइए। यहाँ पे निःशुल्क आपको यहाँ पर्ची मिलेगी, निःशुल्क ये भोजन को ही व्यवस्था की गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अमावा राम मंदिर के प्रांगण में जो राम रसोई बनाई गई है, वहाँ से पर्ची ले ली है, जो कि निःशुल्क है। और भोजन ग्रहण करके ऊपर अमावा राम मंदिर के ऊपर से व्यू एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते दोस्तों, जो ये देख रहे हैं ये है जन्मभूमि पथ, जो कि अमावा राम मंदिर के जस्ट पीछे पड़ता है। और भक्ति पथ अमावा राम मंदिर के जस्ट बगल से आता हुआ इसी जन्मभूमि पथ में मिलाप हुआ है। और ये हाई सिक्योरिटी बनाया गया है, और ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र का मंदिर है, जो कि भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। मैंने जूम करके एक बार दिखाया, इतना निर्माण हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं, जो कि 22 जनवरी हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी को हमारे रामलला के मंदिर का उद्घाटन है। हमारे प्रभु श्री राम जी अपने महल में विराजमान
यानी 22 जनवरी को हो जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से भव्य तरीके से नज़ारा हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर का आ रहा है। दोस्तों ये जो खाली खाली जगह पड़ी हुई है इसके बारे में मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं, आप लोगों को नॉलेज होगा क्यों पड़ी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक बार जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं अपने ज़िले और स्टेट का नाम ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ऊपर से एक बार व्यू दिखा दिया, जो भी मावा राम मंदिर का व्यू किस तरीके से ऊपर से दिखाई देता है। अब मैं आ चुका हूँ नीचे से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। एक बार और कहना चाहेंगे कि भोजन का जो निःशुल्क भोजन का टाइमिंग है वो 11 से 3 है। अगर 3 बजे के ओवर हो रहे हैं 3 बजे से तो आप शायद भोजन या प्रसाद नहीं ग्रहण करने को पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कुछ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।